Good morning, students. Good morning. I'm Seema, your mathematics teacher, and today's date is 26 January 2023. So, students, tell me, जब क्या होता है आपसे कोई भी पूछता है, चलो मान लो आपका एड्रेस ही पूछ रहे हैं, भाई आपका घर कहाँ है, या तो आप उन्हें एग्जैक्ट एड्रेस बता दोगे या आप किसी रेफरेंस पॉइंट दे देते हो कि मेरा घर मंदिर के आगे है या दुकान के साइड में है या दुकान के पीछे है। इसी तरह हम रेफरेंस दे देते हैं जब हमें एग्जैक्ट एड्रेस नहीं पता। तो इसी तरह अगर ये पॉइंट है और मैं पूछूंगी इसकी क्या पोजीशन है, तो आप क्या बता पाओगे? जब तक इसका कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं होगा, हाँ भाई इस पॉइंट से ये लेफ्ट में है या राइट में है, तो आप नहीं बता पाओगे। तो जो हमारे पास ये पॉइंट है, इसकी पोजीशन बताने के लिए हम प्लेन का यूज़ कर रहे हैं और हमें दो एक्सिस की ज़रूरत पड़ेगी, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो हम जो ये एक्सिस की स्टडी है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करते हैं। सो टुडेज टॉपिक इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मीन्स अगर हमें किसी भी पॉइंट की पोजीशन लोकेट करनी है, तब हम क्या करते हैं, टू एक्सिस का यूज़ करते हैं ताकि हम उसकी पोजीशन को बता पाएं कि वो हमारे पास दोनों एक्सिस के दौरान किस पोजीशन पे हैं। ओके, आई हैव अ क्वेश्चन। यस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेट? कोऑर्डिनेट मीन्स जिसमें हमें दो एक्सिस की रिक्वायरमेंट होती है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जिस भी पॉइंट को हम एक्सिस के थ्रू डिनोट करते हैं उसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। मैम, आई डू हैव अ क्वेश्चन। यस बेटा, जो वो ग्राफ होता है वो फोर सेक्शंस में डिवाइड होता है। यस, तो वो प्लस माइनस साइंस वाला, हाँ जी, आप प्लीज एक्सप्लेन कर सकते हैं? बिल्कुल, लुक एट हेयर, हेयर वी हैव दिस वन हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज नोन एज एक्स एक्सिस। ओके, एंड दिस वर्टिकल लाइन इज नोन एज वाई एक्सिस। दिस एक्स एक्सिस, दिस इज द ओरिजन पॉइंट एंड द वैल्यू ऑफ ओरिजन इज जीरो फॉर एक्स एंड जीरो फॉर वाई। क्या मतलब है इसका जीरो जीरो? इट मीन्स कि इस पॉइंट पर एक्स की वैल्यू भी जीरो है और वाई की वैल्यू भी क्या है, जीरो है। ओके, यहां पर हमारे पास जो एक्स की वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी, लाइक वन टू थ्री। दिस इज वाई एक्सिस एंड अपर साइड इज पॉजिटिव वन टू एंड थ्री। ओके, और दोनों वैल्यूज में पहले एक्स वाली लिखते हैं उसके बाद वाई वाली आती है? यस यस यस, जब भी हम किसी भी पॉइंट को कोऑर्डिनेट पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तब हमारे पास, मान लो ये पॉइंट है पी, एक्स एंड वाई, तो पहले हम एक्स की वैल्यू लिखते हैं बेटा, फिर हम वाई की वैल्यू लिखेंगे। एनी डाउट? नो मैम। नेक्स्ट, एक्स पॉजिटिव, इस साइड क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड एक्स नेगेटिव, सारी वैल्यूज यहाँ पर क्या हो जाएंगी, नेगेटिव, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, लाइक दिस, वाई पॉजिटिव, हेयर इज वाई नेगेटिव, माइनस वन, माइनस टू एंड माइनस थ्री। इंक्रीज कर सकते हैं जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है, ज़रूरी नहीं कि हमें ये थ्री तक ही लेना है। ठीक है, नाउ लेट इट बी अ पॉइंट हेयर। ओके, अब मुझे बताना है कि इस पॉइंट की क्या वैल्यू होगी, ये पॉइंट कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको जैसे बताया पहले क्या होगा, अगर हम किसी भी पॉइंट को लिखेंगे पहले x की वैल्यू लिखेंगे, तो अब हम देखेंगे यहाँ पर x की क्या वैल्यू है, ये पॉइंट x की किस वैल्यू के बिल्कुल सामने लाई कर रहा है। तो आप यहाँ से क्लियर देख सकते हैं, x के लिए ये पॉइंट क्या है, टू। मैं इसे डॉटेड में शो कर देती हूँ ताकि आप इसे क्लियरली देख सकें, क्या है ये, टू। और y पे टू, y पर भी ये क्या है, टू। तो लेट दिस पॉइंट इज पी टू फॉर एक्स कॉमा टू फॉर वाई। सो
पोजीशन क्या हो गई इस पॉइंट पी की, 2, 2। तो ये पॉइंट ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर ही हो, अगर ये यहाँ पर है तो कोई बच्चा मुझे बताएगा इसकी क्या पोजीशन होगी? प्लीज रेज योर हैंड इफ एनी वन वॉन्ट टू टेल। यस बेटा यू। मैम ऑन एक्स एक्सिस देयर वैल्यू इज -3 एंड ऑन वाई एक्सिस देयर वैल्यू इज +2। प्लीज बेटा स्टैंड अप। इज शी इज सेइंग राइट? यस मैम शी इज राइट। व्हाट शी इज सेइंग प्लीज रिपीट। वैल्यू ऑफ एक्स इज -3। यस एंड वैल्यू ऑफ वाई इज 2। वाई इज 2। वेरी गुड। सिट डाउन।